नमस्कार, मेरा नाम है मृणाल कुटेरी। नीट यूजी 2021 में मैंने 720 और 720 स्कोर किया और ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त किया। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। इस साल जो है पेपर का पैटर्न थोड़ा सा बदल गया था। पहले देयर वर 180 क्वेश्चंस एंड वी हैड टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ देम। इस साल 200 क्वेश्चन थे पेपर में और हमें उनमें से 180 अटेम्प्ट करने थे। हर सब्जेक्ट में सेक्शन ए सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में होते हैं 35 क्वेश्चंस और सभी कंपलसरी है। सेक्शन बी में होते हैं 15 और उनमें से हमें किसी 10 को अटेम्प्ट करना है। अब इस पैटर्न चेंज में ही एक एग्जाम अप्रोच के स्टाइल में थोड़ा सा बदलाव आना जरूरी है। इन जो एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चंस होते हैं उनको पढ़ना जरूरी है। दो वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली 180, उन्हें पढ़कर ही हम ये समझ सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए सबसे आसान और कंफर्टेबल है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें स्पीड थोड़ा सा बढ़ाएं, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, ताकि आप उन एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए टाइम बना सके। वरना अगर उसके लिए आपके पास समय न हो और आपको पहले 10 ही अटेम्प्ट करना पड़े तो ऐसा हो सकता है कि जो क्वेश्चंस में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो वो भी आपको अटेम्प्ट करना पड़े और वहां पर आप मार्क्स गवा रहे। तो मैंने स्मैश, एक टेस्ट सीरीज होता है सिविल्स डेली का, वो ज्वाइन किया था। तो उससे मुझे एक रेगुलरिटी मिला था, अपनी कंसिस्टेंट प्रिपरेशन हुआ था और उसका इवैल्यूएशन मुझे काफी जल्दी मिल जाता था कि पेपर लिखा तो 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर रिवर्ट बैक होके मुझे मिल जाता था उसका सलूशन। आई यूज्ड टू हैव द कन्वर्सेशंस विद सजल सर आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट। आई वाज एबल टू सी दैट व्हाट ऑल इंप्रूवमेंट्स आई हैव मेड फ्रॉम द प्रीवियस टेस्ट एंड व्हाट ऑल मोर एरियाज in which I have to work more to secure the brownie points. I enrolled for Smash Mains programs in Civils Delhi. It helped me to, you know, see my answer writing from a different perspective. Then I understood what my problem was, which they were pointing, like Sajal sir was pointing out each everywhere that you're writing what you know. You're not writing what is asked for. Instead of writing 50 words, you can use a diagram which will help you gain 2-3 minutes. अब अगला यूनिट जो आता है वो है हीट। हीट में 3 चैप्टर होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस केमिस्ट्री के एक चैप्टर से काफ़ी मिलता जुलता है, तो उस चैप्टर में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट ऑलरेडी केमिस्ट्री में कवर हो गए हैं। तो नो नीड टू लुक एट इट एज 2 सेपरेट चैप्टर्स। थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, स्टेफान्स लॉ ऑफ हीटिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके लिए प्रैक्टिस ही सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। नॉर्मली क्वेश्चंस डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं, लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड एंड ताकि आप एग्जाम में अगर आपको फॉर्मूला ही याद है तो आप उसे अप्लाई करना जान सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि आप ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चंस रहती हैं वो काफी अच्छी होती है। वहां पर भी बेसिक टू थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इसके अलावा भी आप थोड़े से प्रैक्टिस की बुक्स खरीद ले, नहीं तो आई थिंक ऑनलाइन चैप्टर वाइज एक्सरसाइजेस भी मिलती हैं। फिजिक्स जो चैप्टर जो भी हो, एक्सरसाइजेस एंड प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब 11th क्लास फिजिक्स के लास्ट टू टॉपिक्स होते हैं ऑसिलेशंस एंड वेव्स। अब जब मैं 11th क्लास की सिलेबस पढ़ रहा था तो मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल यही 2 चैप्टर्स थे। इवन बिफोर नीट मैं इसी चैप्टर से ज्यादातर स्ट्रगल करता था, लेकिन थैंकफुली जो नीट में क्वेश्चंस आते हैं वो सिंपल होते हैं और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ऑसिलेशंस की बात करें तो सिंपल पेंडुलम से आते हैं या फिर रेफरेंस सर्कल बेस्ड क्वेश्चन से आते हैं, और अगर वेव्स की बात करें तो हार्मोनिक से आते हैं, ओपन एंड क्लोज पाइप्स, स्पीड ऑफ साउंड, ऐसे क्वेश्चंस पर आते हैं। इसीलिए चांसेस आर ज़्यादातर जो एग्जाम में आते हैं वो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इस एनसीईआरटी अगर आप पढ़े तो आप देखेंगे कि इससे बहुत ज्यादा इन डेप्थ में गए हैं, तो वो जरूर पढ़िएगा। वो हो सकता है चांसेस आर आपके लिए वो बिगिनिंग में इतना आसान नहीं रहेगा, मेरे लिए एंड में भी उतना आसान नहीं था एक्चुअली।
तो इसीलिए इसे कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट सिंपल पेंडुलम और ओपन एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स को आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि ज्यादातर चांसेस है कि क्वेश्चंस इसी से आते हैं और ये सिंपल है तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन की। तीनों सब्जेक्ट्स को अप्रोच करने का तरीका अलग रहता है, मेरे लिए भी अलग था। पहले बात करते हैं फिजिक्स की। तीनों सब्जेक्ट में से सबसे ज्यादा एप्लीकेशन ओरिएंटेड और एप्लीकेशन ओरिएंटेड फिजिक्स होता है, यहीं पर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब चैप्टर वाइज देखते हैं, पहला चैप्टर जो होता है फिजिकल वर्ल्ड, वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए एनसीईआरटी आप अगर एग्जाम के कुछ समय पहले एक दो बार पढ़ ले तो काफी है, इट इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगला चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स एंड डायमेंशंस में तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, एरर्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स थ्रू एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डायमेंशनल एनालिसिस। एक फिजिकल क्वांटिटी को किसी दूसरे तीन फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, तो ये सब प्रैक्टिस के बाद आसानी से आ जाते हैं, उतने मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन दे आर इम्पॉर्टेंट। और एरर्स के टॉपिक में थोड़ा कैलकुलेशन काफी लग सकता है, तो वो प्रैक्टिस करें ताकि आप एग्जाम में ज्यादा टाइम ना वेस्ट करें कैलकुलेशन पर। अब बात करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन की। मोशन इन वन डायमेंशन के जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो सभी हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं, तो वो उतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें यहीं पर पहली बार कैलकुलस का इंट्रोडक्शन मिलता है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अब कैलकुलस जो है मोस्ट मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था इन द बिगिनिंग, उसके बेसिक फॉर्मूले अप्लाई करना भी पहले पहले बहुत मुश्किल लगता है, इसीलिए मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि आप प्रैक्टिस करते रहे। वैसे भी कैलकुलस के जो कॉन्सेप्ट है वो बाकी के चैप्टर्स में भी अप्लाई होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस मिल जाएगा, लेकिन खुद से भी आप जितना हो सके प्रैक्टिस करें, और समय के साथ आप कैलकुलस के फॉर्मूले ही सिर्फ नहीं समझ जाएंगे, आप ये भी समझ जाएंगे कि किस किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और किस तरह आप फाइनल इक्वेशन पा सकते हैं। अब बात करते हैं मोशन इन अ प्लेन की। मोशन इन अ प्लेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हमें पहली बार यहाँ पर वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन मिलता है, और वेक्टर्स जो है वो ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कैरी फॉरवर्ड होता है, तो वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर्स पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं जितना वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को समझना होता है, क्योंकि वेक्टर एडिशन, सबट्रैक्शन, वो सब आगे के चैप्टर्स में बहुत यूज होते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो है रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिजल्टेंट वेलोसिटी इन टू डायमेंशंस, जैसे कि रिवर बोट प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, और प्रोजेक्टाइल मोशन, ये होते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। प्रोजेक्टाइल मोशन मैक्सिमम क्वेश्चंस हम डायरेक्ट फॉर्मूले के साथ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़े जो हायर एंड क्वेश्चंस होते हैं वो वहां पर क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट्स को जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन या ऐसा मोमेंटम कंजर्वेशन के साथ कंबाइन किया जाता है, तो वो करना आसान हो जाता है एक बार आप इसके अलावा बाकी चैप्टर्स में भी थरो हो जाए तो। अब बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन की। लॉज ऑफ मोशन एक ऐसा चैप्टर है जहां पर मैं ये नहीं कह सकता कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे टॉपिक्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं, तो ये चैप्टर हो सकता है कि बिगिनिंग में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे। इस चैप्टर में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में थोड़े थियरी पॉइंट्स भी आ सकते हैं, फ्रिक्शन के बारे में तो कभी कभार थियरी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी के साथ थरो होना तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा आप मैकेनिक्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, जैसे एक सिस्टम बना करके उसमें बहुत उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिस्टम ऑफ पुलीज, सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स,
अलग अलग तरह के सिस्टम्स बनाकर उस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस चैप्टर को बहुत टाइम दीजिए, ऐसा नहीं है कि आप जब पहली बार पढ़ लेंगे आप थरो हो जाएंगे। ये चैप्टर जो है 12th में आकर भी आपको पीरियोडिकली रिवाइज करना चाहिए, ताकि जब तक एग्जाम पास आए आप इस चैप्टर में फुल्ली थरो हो जाए, और अगर कहीं पर भी इस चैप्टर के टॉपिक्स को किसी और चैप्टर के टॉपिक्स के साथ इंटरलिंक किया जाए तो आप वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सके। अगला होता है वर्क पार एनर्जी। वर्क पार एनर्जी में स्केलर प्रोडक्ट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनर्जी कंजर्वेशन एंड कोलिशंस। एनर्जी कंजर्वेशन पर्टिकुलरली, इस पर बहुत वेरीड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए भी आप प्रैक्टिस बहुत करें। एनसीईआरटी के पीछे भी इसमें कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, आप वो सॉल्व करके आप समझ जाएंगे कि इस चैप्टर से कितने व्हाट अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कैन कम। और थियरी अगर देखें तो हम कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम अ थियरी पर्सपेक्टिव। अगला चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ये भी लॉज ऑफ मोशन की तरह एक चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स एक साथ रख दिए गए हैं, जैसे सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ मास, फोर्स ऑन अ सिस्टम ऑफ मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोलिंग मोशन। तो ये भी एक ऐसा, एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो ये भी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मैं ये नहीं कह सकता कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन इन माय ओपिनियन 11th क्लास फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत टॉपिक्स जो है कैरी फॉरवर्ड होते हैं, एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इज वेरी फंडामेंटल, बहुत बेसिक है एक्चुअली फॉर द एंटायर फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स। तो ये दो चैप्टर्स हैं, इसके साथ आप पेशेंटली पढ़े। बिगिनिंग में ये चैप्टर स्पेसिफिकली सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो आप खुद को हौसला ना हारिए, बस पेशेंटली आप पढ़ते रहें। 2 साल है ना 11th एंड 12th में, तो आप पीरियोडिकली इसको पढ़ते रहें, इस पर क्वेश्चंस सॉल्व करते रहिए, एंड फाइनली जब तक नीट एग्जाम आएगा आप इसमें थरो हो जाएंगे। अब बात करते हैं ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन एक सिंपल चैप्टर है फॉर वन मेन रीजन। अगर इसका जो बेसिक फॉर्मूला है न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, इसको आप न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन के साथ अगर आप कंबाइन करें तो इसके बेसिस पर ही 90% ऑफ द क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। मैकेनिक्स में जो भी बेसिक मोशन के फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे एक्सेलरेशन के, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, उसके साथ अगर आप वो फॉर्मूले, वो कॉन्सेप्ट अगर आप यहाँ अप्लाई करें तो आप खुद ही इसके मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट टू मच प्रैक्टिस। थ्योरी के लिए तो एनसीईआरटी है ही। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स जो है वो एक थोड़ा नया चैप्टर है कंपेयर टू एवरीथिंग दैट वी डन बिफोर। तो वहां पर मैक्सिमम क्वेश्चंस यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस पर आते हैं, तो उस पर ज्यादा फोकस करें। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स अगर देखें तो वो एक बहुत ही बड़ा और थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर होता है। इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स को एक साथ रख दिया गया है, तो इसके साथ भी थोड़ा पेशेंट होना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक चीज मैं जो कहना चाहूंगा वो है ये कि सरफेस टेंशन पर जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड, उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ें, ये समझने की कोशिश करें कि फ्री सर्फेसेस कितने होते हैं। जैसे कि वो क्वेश्चन में बबल के बारे में पूछ रहे हैं या ड्रॉप के बारे में पूछ रहे हैं, ये एक जो पॉइंट है, बहुत बार अगर हम जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़े तो हम ये पॉइंट मिस कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट गारंटीड है कि वो दोनों के लाइक बबल के बेसिस पे जो आंसर आएगा और ड्रॉप के बेसिस पे जो आंसर आएगा, दोनों के ऑप्शंस वो ऑप्शंस में इंक्लूडेड रहेंगे। तो अगर तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आता है जनरली क्वेश्चंस ध्यान से पढ़िए, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक शांत मन से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हीट रिलेटेड चैप्टर्स की। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडाइनमिक्स। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं। हीट कैपेसिटी थोड़ा एलिमेंटेड रहता है, वो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन उसके अलावा हीट कंडक्शन, स्टेफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, यही इंपॉर्टेंट फोकस टॉपिक्स रहते हैं।
थर्मोडायनेमिक्स में देखे तो ये भी थोड़ा ये चैप्टर और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस केमिस्ट्री के चैप्टर से थोड़ा इंटररिलेटेड होता है, तो शायद क्योंकि पहले ये टॉपिक्स है पहले ही केमिस्ट्री में आ जाते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर आते ही आपको ये टॉपिक्स थोड़े आसान लगे, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वर्क डन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस आइसोथर्मल एडियाबेटिक एंड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस एंड कार्नोज इंजन यही फोकस टॉपिक्स रहते हैं। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में टोटल एनर्जी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस मोनोटॉमिक डायटॉमिक पॉलीएटॉमिक ये इम्पॉर्टेंट रहते हैं और इस यहाँ पर से थियरी क्वेश्चंस आने की संभावना है तो उसके लिए एनसीईआरटी थर्ली पढ़िए, लेकिन ये चैप्टर्स ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए आसान हो जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी इसका अबाउट ऑलमोस्ट हाफ केमिस्ट्री में कवर हो चुका है। लास्ट के जो दो टॉपिक होते हैं 11th क्लास के वो है वेव्स एंड ऑसिलेशंस। सबसे ज्यादा मेरे लिए तो सबसे ज्यादा मुश्किल ये दो टॉपिक्स ये दो चैप्टर्स थे, इवन बिफोर नीट एग्जाम सबसे ज्यादा मैं इसी के साथ स्ट्रगल करता था, लेकिन थैंकफुली इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो नॉर्मली थोड़े आसान सिंपल वाले ही आते हैं, जैसे कि ऑसिलेशंस में सिंपल पेंडुलम सुपर पोजिशन ऑफ SHMs कभी कभार आता है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंडुलम के बेसिस पे है वो क्वेश्चंस रहते हैं। इसके एंड एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर जो लास्ट के 5-6 पेजेस रहते हैं वो एक्चुअली थोड़े मुश्किल होते हैं, तो जैसे कि फोर्स्ड ऑसिलेशंस डैम्प्ड ऑसिलेशंस रेजोनेंस, तो ये मैं कहूंगा कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ्रॉम एन ऑसिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर पढ़े तो यही सेम टॉपिक्स अल्टरनेटिंग करंट में भी यूज होते हैं, तो अगर आप यहाँ पर उसके साथ थरो है तो वहां जाके आपको आसानी होगी, लेकिन फ्रॉम एन ऑसिलेशंस पर्सपेक्टिव मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं पेंडुलम्स के और वो फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ऑफ बेसिक SHM का जो फॉर्मूला होता है उस पर। वेव्स भी वेव्स NCERT में बहुत इनडेप्थ दिया हुआ है, लेकिन थैंकफुली जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जैसे कि ऑर्गन पाइप्स ओपन एंड क्लोज्ड, डॉपलर इफेक्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ से, लेकिन अगर आप थोड़े से फॉर्मूला याद रख ले तो बहुत आसानी हो जाएगी। डॉपलर इफेक्ट के लिए मैं ये कहूंगा कि आप एक जनरल फॉर्मूला याद करें और उसे अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई करना सीखे, जैसे कि the formula for Doppler's effect is apparent frequency is equal to actual frequency into speed of sound plus observer by speed of divided by speed of sound plus speed of source। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आप अगर ये formula पढ़े और sign convention समझ ले तो आप इस एक formula के साथ आप हर जगह apply कर सकते हैं और सीख सकते हैं। जहां पर सिर्फ ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो सोर्स का स्पीड जीरो हो जाएगा तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएगा, तो इस तरह आप अपना काम घटा सकते हैं। इसके अलावा स्पीड ऑफ साउंड वेवलेंथ ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी इस पर जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। अब 12th क्लास फिजिक्स की बात देखते हैं। पहला चैप्टर जो है पहले दो चैप्टर एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बेस्ड है। पहला चैप्टर कूलम्स लॉ और डाइपोल और गॉस लॉ यही है फोकस टॉपिक्स और सबसे ज्यादा यही से क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसका जो पोटेंशियल पार्ट होता है आप इससे जितना हो सके ग्रेविटेशन को कनेक्ट कीजिए, क्योंकि ग्रेविटेशन के फॉर्मूले और यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के फॉर्मूले में आप बहुत रिलेशंस ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि अगर एक याद हो जाए तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी याद हो जाएगा। कैपेसिटर्स जो है ये आपको थोड़ा बहुत रेसिस्टर्स की तरह देखना पड़ेगा, फॉर्मूले अलग होते हैं, लेकिन बात यह है कि NCERT में जो है उसमें सिर्फ डायरेक्टली सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के ही फॉर्मूले दिए हैं एंड एनर्जी स्टोर्ड, लेकिन ऐसा कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं ऑफ कैपेसिटर्स, तो उसके लिए मैं ये कहूंगा कि आप यहाँ पर पर्टिकुलरली NCERT से थोड़ा अबव एंड बियॉन्ड जाए और थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। ये जो है काफी बुक्स में थोड़ा और डिटेल में सिखाया गया है, तो मैं यही कहूंगा कि आप यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिस करें ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस।
करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी रेसिस्टर्स की बात करें तो ऐसी यही है. इसका फॉर कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टर्स एनसीईआरटी में प्रोसीजर दिया गया है, तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं. उसके अलावा एंड में जो कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स फिर व्हीटस्टोन ब्रिज मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर सॉरी ये सब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं. सिंपल फॉर्मूले हैं लेकिन इनको याद करना इंपॉर्टेंट है. अब बात करते हैं मैग्नेटिज्म के चैप्टर्स की. मैग्नेटिज्म के चैप्टर्स में भी इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ज्यादा होते हैं. मैं ऐसा वन बाय वन लिस्ट कर नहीं सकता, कुछ ज्यादा ही है. मैं ये एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि काफी जगह पर हम एनालॉजीज ड्रॉ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो चैप्टर है वहां पर जब बार मैग्नेट की बात आती है तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ फॉर्मूले को रिलेट कर सकते हैं. फॉर्मूले का स्ट्रक्चर दोनों का आइडेंटिकल है, बस जो टर्म्स है वो अलग है, रहते हैं. ये जो एनालॉजी है एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली मेंशन ही किया गया है, तो मैं ये कहूंगा कि आप उसको समझने की कोशिश करें. एक बार समझ जाए तो आपका काम बहुत घट जाएगा. और जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पर जो क्वेश्चंस आते हैं, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप, अपेरेंट एंगल ऑफ डिप, वो भी जो क्वेश्चंस आते हैं कभी कभार, मैं ये कहूंगा कि आप उसे जितना हो सके विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए. एनसीईआरटी में थोड़े डायग्राम्स है कि ये जो सारे टॉपिक्स है कैसे रिलेटेड है, आप एक डायग्राम में देख सकते हैं. जितना हो सके आप इसे समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको अलग अलग होके ना पढ़ना हो. आप सभी चीज को एक साथ एक डायग्राम में अगर इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ पाए तो आपके लिए आसानी होगी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको इलेक्ट्रिसिटी के जो फॉर्मूले होते हैं बेस्ड ऑन रेसिस्टेंस करंट, वो सब याद रखना इम्पॉर्टेंट होता है. अल्टरनेटिंग करंट जो है ये मेरे लिए एटलीस्ट और मेरे क्लासमेट्स के लिए भी आई थिंक एक मुश्किल चैप्टर था. मेन रीजन बीइंग इसमें ट्रिगोनोमेट्री के काफी फॉर्मूले अप्लाई होते हैं. तो मैं ये कहूंगा कि ये चैप्टर पढ़ने से पहले जितना हो सके आप बेसिक ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इसके फॉर्मूले के डेरिवेशन में उसको समझने के लिए ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करना इम्पॉर्टेंट है. और ये क्वेश्चंस और फॉर्मूले ऐसे होते हैं कि साइन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि प्लस आता है कि माइनस आता है. तो इस सब के लिए मैं ये कहूंगा कि आप एक बार ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए. एंड में जो ट्रांसफॉर्मर्स होता है उसके फॉर्मूले काफी सिंपल है, उसे समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए. लेकिन उससे पहले जो भी आते हैं यहाँ पर भी एनालॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जो आरएलसी कॉम्बिनेशंस, एलसी ऑसिलेशंस, ये जहां पर भी आते हैं यहाँ पर भी एनालॉजीज हम ड्रॉ कर सकते हैं ऑसिलेशंस चैप्टर के साथ. ये सब भी एनसीईआरटी में एक्सप्लिसिटली मेंशन है, तो उसे अगर आप समझ जाएंगे तो मैं यही कह रहा था कि पहले ऑसिलेशंस को समझने से आपको यहाँ पर आके थोड़ी आसानी होगी. तो अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप अगर एक फॉर्मूला याद रख लेंगे तो आप उसे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना सीख जाएंगे. अगला जो चैप्टर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो काफी थ्योरी बेस्ड चैप्टर होता है. न्यूमेरिकल्स जो भी आते हैं बहुत सिंपल आते हैं बेस्ड ऑन वेव का बेसिक फॉर्मूला वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा वो टाइप. एंड यहाँ पर ये थोड़ा थ्योरी सेंट्रिक चैप्टर है एक्चुअली. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डिफरेंट वेव्स है उसके डिफरेंट यूजेस है तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए. बस एनसीईआरटी के लेवल पे जितना है पढ़िए, वो थ्योरी बेस्ड है तो वो जो भी आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं वो काफी रहेगा. अब आता है ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स दोनों में इंक्लूड कर रहा हूँ. ये दोनों जो चैप्टर्स है 12th क्लास फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब यूनिट है. यहाँ पर भी मैं नहीं कह सकता कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है. रे ऑप्टिक्स का जो पहला पार्ट होता है वो आई थिंक लोअर क्लासेस में कवर था, लेकिन उसके बाद जो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले आते हैं टेलीस्कोप्स एंड माइक्रोस्कोप के, तो वो मैंने एक्चुअली बहुत कोशिश की थी उसे समझने के लिए, उसको डिराइव कैसे किया गया है, लेकिन मेरे लिए वो एक्चुअली बहुत मुश्किल था. जो क्वेश्चंस नीट में आते हैं उसके लिए वो अलग अलग फॉर्मूला याद रखना काफी होता है, लेकिन अगर आप उसको समझ सके कि वो कैसे डिराइव हो रहा है
तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अगर एग्जाम में आप फॉर्मूला भूल जाते हो लेकिन आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप खुद उसे डिराइव कर करके अप्लाई कर सकते हो, एक इंश्योरेंस की तरह है वो। वेव ऑप्टिक्स जो है आई थिंक रे ऑप्टिक्स से थोड़ा और मुश्किल होता है। यहाँ पर जो मैं दो टॉपिक्स बोलना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है YDAC मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। ज्यादातर क्वेश्चन इस पे आते हैं। पोलराइजेशन जो एक सिंपल टॉपिक है, दो फॉर्मूले के बेसिस पे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इन दोनों को आप इम्पोर्टेंस दें। इनके फॉर्मूले में भी सिमिलर है लेकिन अंतर है, थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटीज है लेकिन हम कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं लाइक मैक्सिमा मिनिमा वो अंतर है, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी मैं कहना चाहूंगा कि क्वेश्चन ठीक से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सिंगल स्लिट के बारे में बात पूछ रहे हैं या फिर डबल स्लिट। यहाँ पर भी गलती हो सकती है, स्पेशली अगर आप जल्दबाजी में पेपर कर रहे हो, तो यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है कि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। अगले दो चैप्टर्स आते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एंड एटम्स। तो ये दोनों टॉपिक्स जो है ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी जो मैक्सिमम टॉपिक्स है वो केमिस्ट्री में कवर हो जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में कभी कभार ऐसे इंटरकनेक्शन आते हैं। इन दो चैप्टर्स के टॉपिक्स को मैक्सिमम स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर, जो केमिस्ट्री 11th क्लास का दूसरा चैप्टर है, वहीं पर कवर हो जाता है। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि अगर आप उस चैप्टर के साथ थरो है तो यहाँ पर आके आपको ज्यादा नया पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जब तक आप यहाँ पर आएंगे 12th क्लास में, इट विल मोस्टली फील लाइक अ रिविजन फॉर यू। न्यूक्लियाई के बारे में जो चैप्टर है, ज्यादा मेरे पास कहने के लिए कुछ है नहीं। वो जो हाफ लाइफ के बेसिस पे मतलब जो रेडियो एक्टिव डीके है और मास एनर्जी कंजर्वेशन, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन जो है वो थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। लास्ट चैप्टर जो है फिजिक्स का, विच इज सेमी कंडक्टर्स, पर्सनली मेरे लिए दोनों 11th एंड 12th मिला के सबसे मुश्किल, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स एटलीस्ट वॉज दिस। तो मैं ये अच्छी बात है कि नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं वो लॉजिक गेट्स पे या ज़ीनर डायोड पे आते हैं, विच आर इजियर टू अंडरस्टैंड, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी आना इसमें थोड़ा मुश्किल है। तो मैं ये कहूँगा कि अब अगर आप NCERT से पढ़ के समझ नहीं पा रहे हो तो आप जितना हो सके कुछ ऑनलाइन लेक्चर देखिए, या अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक्स हो तो उन्हें रेफर कीजिए। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मुझे लगता है इस चैप्टर के लिए ज़रूरी है, एटलीस्ट मेरे लिए ज़रूरी था। तो इस साल जो है, इस साल के नीट एग्जाम में इस थियोरी क्वेश्चंस काफ़ी आए थे, तो उसके लिए आप एटलीस्ट NCERT बी थरो विथ NCERT, क्योंकि इस साल मैंने भी नहीं सोचा था कि इतने थियोरी क्वेश्चंस आएंगे। थैंकफुली इट वर्कड आउट वेल फॉर मी, बट मोर देन एक्सपेक्टेड थियोरी क्वेश्चंस आए थे देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। तो उसके लिए NCERT के साथ आप थरो रहिए। फिजिक्स कवर हो गया। अगर आपने नोटिस किया है, इन सभी में थोड़े कॉमन पॉइंट्स होते हैं, जहां पर भी जितना हो सके ट्राई एंड ड्रॉ रिलेशनशिप्स मतलब एनालॉजीज बिटवीन डिफरेंट टॉपिक्स, ताकि अगर आपको एक याद हो जाए तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी याद हो जाए, इससे आपका काम घटता है। थियरी जहां पर भी आती है NCERT काफी है। अगर थियरी थोड़े पॉइंट्स होते हैं जिसे मतलब रटना ही पड़ता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसके लिए आप जितना हो सके, अगर आप पर्सनल नोट्स बनाते हो या फिर अंडरलाइन या हाईलाइट करते हो, वो आप कर सकते हैं, ताकि एग्जाम के पहले आप सिर्फ फाइनल फॉर्मूले और जो थियरी पॉइंट इंपॉर्टेंट थियरी पॉइंट्स होते हैं वो क्विकली रिवाइज कर सके, और आप एक प्रॉपर रिविजन दे सकते हैं फॉर द होल सिलेबस बिफोर द एग्जाम, और आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। अब आते हैं केमिस्ट्री की ओर। केमिस्ट्री में तीन सब टॉपिक्स रहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनको अप्रोच करने का तरीका अलग रहता है मोस्टली। पहले के जो चैप्टर्स होते हैं 11th में, मोस्टली फिजिकल केमिस्ट्री के होते हैं। पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, नाम से ही पता चल जाता है कि ये एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है जो आगे के चैप्टर्स के लिए फाउंडेशन की तरह सर्व करता है। तो
इस चैप्टर पर आप बहुत ध्यान दीजिए, पहले पहला चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो काफी प्रैक्टिस कीजिए। इसके सभी टॉपिक्स जो है इम्पोर्टेंट होते हैं, थोड़े टॉपिक्स फिजिक्स के साथ ओवरलैप करते हैं तो वहां पर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन बाकी जो टॉपिक्स है एक केमिस्ट्री के एलिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बुक में दूसरा चैप्टर है, लेकिन यहीं पर एक बहुत भारी वर्कम इम्पॉर्टेंट चैप्टर आ गया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी आगे की केमिस्ट्री के टॉपिक्स के लिए फाउंडेशनल चैप्टर है ही, उसके अलावा फिजिक्स के काफी टॉपिक्स यहाँ पर ऑलरेडी कवर हो जाते हैं, जैसे कि डी ब्रॉयस थियरी ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स। तो इन सभी के जो ये सभी कॉन्सेप्ट है वो आगे जाके फिजिक्स के सब्जेक्ट में भी यूज होते हैं, तो इस चैप्टर पर भी आप ध्यान दीजिए। इसमें काफी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इसका लास्ट जो टॉपिक है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर जो ऑर्बिटल्स के फिलिंग की ऑर्डर सब समझ में आती है, और वो आगे जाके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होती है। अलग अलग ऑर्बिटल्स के जो शेप्स होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आपको शायद समझ आ गया होगा कि इस चैप्टर में कुछ अनइम्पॉर्टेंट बोलने के लिए है नहीं, इस चैप्टर में जो है इम्पॉर्टेंट है। टाइम लीजिए इस चैप्टर के साथ, शायद क्लास में पढ़ाते टाइम ही ये चैप्टर थोड़ा स्लोली ही कवर होता है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो है मोर टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री साइड होता है, पीरियोडिक टेबल का। तो ये चैप्टर जो है आगे की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक फाउंडेशन होता है, आगे जो हम स्पेसिफिकली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक, तो उनके लिए ये इंट्रोडक्शन की तरह होता है। ये मोस्टली एक थियरी सेंट्रिक चैप्टर है, थोड़ा बहुत समझने का रहता है, जैसे कि एटॉमिक रेडियाई एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, उनके जो ट्रेंड्स होते हैं वो समझ सकते हैं, लेकिन जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आती है एक चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरी रूल हैज एन एक्सेप्शन। तो एनसीईआरटी में जो एटॉमिक रेडियाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है वहां पर डेटा दिया गया है, ऑब्वियसली डेटा याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन जहां पर भी आपको टेबल्स दिखते हैं ना, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेटा के, तो उसे ऑर्डर में आप अरेंज कर लीजिए, खुद लिख लीजिए कि एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग असेंडिंग आपकी मर्जी, लेकिन इमीडिएटली लिख लीजिए और आगे आप सिर्फ वो सीखने की कोशिश करें। हो सके तो शायद आप अगर आपके रूम में स्टडी मटेरियल्स बहुत है और आप वो पिन अप करते हैं पेपर्स एंड शॉर्ट नोट्स, स्टिकी नोट्स वो सब, तो आप वो ये एक बार देख लीजिए कि ये जो ऑर्डर्स होते हैं वो आप पिन अप कर लीजिए। हर दिन जब आप देखते रहेंगे ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में इम्प्लांट हो जाएगा, नहीं तो अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो वहां पर लिख लीजिए, लिख कर ही चांसेस आर आपको याद हो जाएंगे। अगला चैप्टर जो है वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिस्ट्री 11th क्लास के ऐसी बिगिनिंग के बहुत सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जहां पर मैं फिर से ये नहीं कह सकता कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देखेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग जो है मॉलिक्यूल्स के बॉन्डिंग को समझाने के लिए अलग अलग थियोरीज होती हैं, और जब मैं पढ़ रहा था मैं ये सोचता था कि अगर एक थियोरी को डिस्प्रूव करके अगली वाली आई है तो हम पहले जो पुरानी थियोरी है वो क्यों पढ़े। तो एक बात आप समझ लीजिए कि जो भी थियोरी है एवरीथिंग हैज इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, और उससे ज्यादा ये इम्पॉर्टेंट चीज है कि अलग अलग थियोरी को अप्लाई करके अलग 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 कॉन्सेप्ट्स इजी हो जाते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। आगे आप देखेंगे कि कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल किया गया है कहीं पर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी, तो इन सभी ये जो सभी थियोरीज हैं उससे आप थरो रहिएगा। ये भी थोड़ा थियोरेटिकल चैप्टर है तो इसको भी आप अगर कुछ नोट्स बना के शॉर्टन करके रिवाइज कर सकते हैं तो अच्छी बात है। आगे के जो चैप्टर्स होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स,
ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, नॉट ओनली बिकॉज केमिस्ट्री आगे में काम आएगी, बट ऑल्सो बिकॉज फिजिक्स के साथ इंटर रिलेशन है. स्टेट्स ऑफ मैटर में जो गैस लॉज और आइडियल गैस इक्वेशन वो सब रहती है, वो काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस चैप्टर, फिजिक्स की चैप्टर में भी अप्लाई होती है. तो इसीलिए इस चैप्टर को, ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है. मैं जानता हूँ कि ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स में वो इम्पॉर्टेंट है बोल रहा हूँ, बट दैट्स बिकॉज 11th क्लास केमिस्ट्री, एस्पेशली इन द बिगिनिंग एट लीस्ट, इज वेरी इम्पॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर केमिस्ट्री बट ऑल्सो फॉर फिजिक्स. और अगर आप यहीं पर समझ जाएंगे तो आगे जाके आपके लिए ही आसानी होगी. अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की. थर्मोडायनेमिक्स में जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोटेशन अलग रहता है. फिजिक्स में और केमिस्ट्री में वर्क डन, पॉजिटिव नेगेटिव, वो अलग रहता है. वो कन्वेंशन है, मतलब इसीलिए मैं बस यही कहूंगा कि आप याद रखिए कि केमिस्ट्री में पॉजिटिव नेगेटिव कब यूज होता है और फिजिक्स में पॉजिटिव नेगेटिव कब यूज होता है. वो आपको याद रखने के अलावा मुझे नहीं लगता कोई चारा है. तो आप याद रखिए और सब्जेक्ट को देखते हुए करेक्ट साइन अप्लाई कीजिए. और थर्मोडायनेमिक्स में एक और चीज जो है वो एंथैल्पी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, वहां पर डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं. डेफिनेशंस के बेसिस पर भी कभी कभार क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड स्टेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज ओनली फॉर इज जीरो फॉर एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट, नॉट फॉर कंपाउंड्स. तो यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टेट का डेफिनेशन मालूम होना, अलग अलग एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है वो याद रखना इम्पॉर्टेंट होता है. और इस चैप्टर के अंत में जो गिब्स एनर्जी के कॉन्सेप्ट आते हैं वो डायरेक्टली अगले चैप्टर दैट इज इक्विलिब्रियम के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं. इक्विलिब्रियम इज द नेक्स्ट चैप्टर, एक अगेन इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसके थोड़े कॉन्सेप्ट तो हमने पहले समझ सीख लिए हैं, जैसे कि एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, न्यूट्रल, पीएच स्केल जो होता है. लेकिन अब एक न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से हम पढ़ते हैं कि पीएच कैलकुलेट कैसे करते हैं, टू डिफरेंट सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो रिजल्टिंग पीएच क्या होता है, फिर डिफरेंट स्ट्रॉन्ग, वीक, वेरी वीक एसिड्स एंड बेसिस, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. यहाँ पर गिब्स एनर्जी के साथ इंटर रिलेशन होता है. तो ये भी एक ऐसा चैप्टर है जो काफी इंपॉर्टेंट है. आई थिंक आउट ऑफ द 7 चैप्टर्स आई मेंशन सो फार, 4 or 5 आई मस्ट हैव सेड आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट दे आर कुछ, देयर इज नो अदर वे, देयर इज अ रीजन दैट बुक इज सो फैट एंड सो डिटेल्ड. तो आप उसे टाइम लीजिएगा. ये जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ने में समय लगता है, बी पेशेंट और उनको वो अप्रोप्रिएट टाइम दीजिए. अब चलिए अगला चैप्टर जो आता है वो है रिडॉक्स रिएक्शंस. रिडॉक्स रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इनके डेफिनेशंस जो है इनको समझना और आइडेंटिफाई करना कि कौन सा केमिकल ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा केमिकल रिड्यूस हो रहा है, ये आइडेंटिफाई करना सीखना इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो बैलेंसिंग पे आते हैं, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस. नीट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो ऑब्वियसली कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये मेथड यूज करो. एनसीईआरटी में ही 2 मेथड दिए गए हैं बैलेंसिंग के लिए. तो फॉर नीट पर्सपेक्टिव मैं बोल रहा हूँ, आपको जो भी मेथड आसान लगता है, इजी टू अंडरस्टैंड, उसी को अप्लाई कीजिए. मतलब प्रैक्टिस के लिए दूसरा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. स्टिक टू योर स्ट्रेंथ, जो मेथड आपके लिए आसान है वो यूज कीजिए. विद टाइम आपको मतलब वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ऑटोमेटिकली यू सी दैट यू आर एबल टू डू इट. बस आप यू ऑलरेडी नो व्हाट टू डू, यू डोंट हैव टू मेमोराइज स्टेप बाय स्टेप क्या करना है. इस चैप्टर में जो लास्ट पार्ट रहता है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 12th क्लास की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड रहता है. तो हो सके तो यहाँ पर सीख लीजिए, नहीं तो वहां चल के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में थोड़ा और इनडेप्थ एक्सप्लेनेशन दिया है. तो अगर यहाँ पर समझ में नहीं आया तो वहां पर जाके आपको समझ आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर सीख गए तो ऑब्वियसली वहां पर आसानी हो जाएगी. इसके बाद जो 3 चैप्टर्स आते हैं वो है हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक. ये प्योरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डोमेन में आती है, एंड जब तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात होती है मैं वहां पर हार मान जाता हूँ. आई हैव नो आइडिया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री
लोग कैसे पढ़ते हैं। जब मैं पढ़ रहा था मैंने बस जितना हो सके मैंने मेमोराइज करने की कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की कि कुछ लॉजिकल रिलेशनशिप अगर हम ड्रॉ कर सकते हैं, कि हम कुछ जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो अप्लाई करके समझ सकते हैं कि नहीं। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर रूल्स के एक्सेप्शन ज्यादा होते हैं और जो एलिमेंट्स एक्चुअली रूल्स को फॉलो करते हैं वो कम। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आपका जो भी लर्निंग स्टाइल हो, शायद आप अंडरलाइन करते हो, हाईलाइट करते हो, शॉर्ट नोट्स बनाते हो, जो भी हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वो फॉलो कीजिए और जितना हो सके रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत वॉलेटाइल टॉपिक भी है कि जब बहुत आसानी से हम ये भूल जाते हैं। तो इन इज द होल सब्जेक्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक्चुअली 12th क्लास में जाके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बड़ी और डिटेल्ड होती है। तो वहां पर भी मैं यही कहूंगा कि आप जब भी पहली बार ही जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए आप जो भी करते हैं, और जब भी मौका मिले इसे रिवाइज करते रहिए। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो चैप्टर्स है 11th क्लास में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी जो लोग बोलते हैं एंड हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बात आती है, एक चीज जो मेरे इंस्टीट्यूट में हमने की थी वो थी 11th एंड 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने एक साथ की थी, मतलब 11th क्लास के एंड में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है उसके बाद हम 12th डायरेक्टली 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर गए। तो ये लर्निंग अप्रोच मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा, क्योंकि 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 11th जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए फाउंडेशन बिल्ड करती है, जैसे कि नॉमेनक्लेचर एंड वो अलग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स जो रहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, आई मीन हाइपर कॉन्जुगेशन, वो ये सब जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल वो कॉन्सेप्ट भी, ये सब जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं ये सब बहुत मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली आगे 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अप्लाई होता है। तो अगर हो सके तो मैं कहूंगा कि एक साथ मतलब 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद आप 12th कीजिए, लेकिन अगर आपके स्कूल के सिलेबस के साथ इट मे नॉट मैच, क्योंकि 12th में बिगिनिंग में फिजिकल केमिस्ट्री आती है, तो इससे पहले कि आप 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करें मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कर लीजिए। ये दोनों हाइड्रोकार्बन एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दो जो चैप्टर्स हैं सभी इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन जनरल के बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन जनरल आई कैन मेक अ स्टेटमेंट नेम्ड रिएक्शंस जो भी है वो ज्यादा वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आई मीन देयर इज अ रीजन देयर इज अ नेम टू इट, इसीलिए वो फेमस रिएक्शंस होते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं। तो जितना हो सके रिवाइज कीजिए एंड जितना हो सके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कीजिए। कभी कभार थोड़े हायर लेवल क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो वो किसी डायरेक्टली एक रिएक्शन, मतलब इट्स नॉट लाइक वन रिएक्शन में एनसीईआरटी हैज बीन पिक्ड अप एंड मेड इनटू अ क्वेश्चन, उसमें जो कॉन्सेप्ट रहता है कि इलेक्ट्रोफाइल मोस्ट लाइकली कहां पर अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल मोस्ट लाइकली कहां पर अटैक करेगा, ऐसे जो कॉन्सेप्ट होते हैं विच ड्राइव अ रिएक्शन वो अप्लाई होते हैं। तो जितना हो सके आप मैकेनिज्म समझिए। जो नीट में जो क्वेश्चन होते हैं मोस्टली इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, लाइक मैकेनिज्म के बारे में ज्यादा पूछते नहीं है, एक्सेप्ट फॉर सम जहां पर यू नो वो मार्कोनिकोव रूल और फिर टर्शियरी कार्बो कैटन सेकेंडरी, कुछ जगह में इट इज इम्पोर्टेंट, एनसीईआरटी में भी डिटेल में दिया है, लेकिन दूसरे रिएक्शन के लिए भी मैं यही कहूंगा जहां तक हो सके टू द एक्सटेंट पॉसिबल लर्न द मैकेनिज्म वेदर और नॉट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर, क्योंकि उसके साथ जो फिजिक्स में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करते हैं ऐसी ही अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी द इक्विवेलेंट इज अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म, सो आगे जाके आपको आसानी होगी। इसका जो लास्ट चैप्टर है 11th क्लास का वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, वो भी टोटली मेमोरी बेस्ड होती है, थियोरेटिकल थोड़ा बहुत एनवायरमेंटल साइंस की तरह होता है एक्चुअली। तो जितना हो सके उसे भी रिवाइज करने के अलावा कुछ और तरीका मुझे तो नहीं मालूम है, तो मैं बस यही कहूंगा कि जब हो सके रिवाइज कीजिए, क्योंकि लास्ट चैप्टर है, लोग इसको थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि यू नो अंत में जो चैप्टर है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन इसमें से क्वेश्चन एक तो जरूर आएगा, तो इसीलिए मैं कहूंगा कि जब हो सके इसे भी एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टाइप चैप्टर समझे और रिवाइज करते रहिए। अब चलिए बात करते हैं 12th क्लास केमिस्ट्री की। 12th क्लास पहले के टॉपिक्स अभी फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं,
और यहाँ पर भी चैप्टर्स में बहुत सारे टॉपिक्स एक साथ होते हैं, जैसे सॉलिड स्टेट की बात करें तो उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, क्रिस्टल सिस्टम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन ईच टाइप ऑफ यूनिट सेल, फिर जो अंत में इम्परफेक्शंस आते हैं, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स, वहां पर सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्पल्स। तो अगर आप यहाँ पर भी अगर आप शॉर्ट नोट्स या फ्लो चार्ट ऐसा कुछ भी बनाते हैं तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्परफेक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज की बात करें, व्हाट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स एंड फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, यहाँ पर एग्जाम्पल्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस है मोर देन द एक्चुअल डेफिनेशन। डेफिनेशन एक बार पढ़ने से समझ आ जाता है, एग्जाम्पल्स रिपीटेडली रिवाइज करते रहिए, फिर वो पैकिंग एफिशिएंसी, डेंसिटी पर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस ये सब यहाँ पर आई थिंक प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हम एक बॉडी डायगोनल या एक रो के एटम्स को निकाल दिए जाए तो फिर फाइनल फॉर्मूला क्या बनता है। तो यहाँ पर भी वाइल नीट में आई डोंट नो हाउ इम्पोर्टेंट दिस क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा एनसीईआरटी के ऊपर, मतलब एनसीईआरटी में जो है उसी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, लेकिन उसे अलग तरीके में अप्लाई करना है बस। सॉल्यूशंस में जो लॉज अलग अलग रहते हैं, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो मोर और लेस केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के पर ही बेस्ड है, तो वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके बाद अलग अलग लॉज आते हैं, राउल्स लॉ, हेनरीज लॉ एंड हाँ मेनली ये दो ही आते हैं आई थिंक। तो इसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कीजिए, सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो है उसके भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास वो जो है उसके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं बेस्ड ऑन एसोसिएशन या डिसोसिएशन, तो वो प्रैक्टिस कीजिए। अगला चैप्टर जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंपैरेटिवली एक बड़ा चैप्टर है और इसमें अगेन बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। या इसका एक इसमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो है उसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रेडॉक्स रिएक्शंस के चैप्टर में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर काफी और डेप्थ में एक्सप्लेन किया जाता है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि केमिस्ट्री 11th क्लास से कैसे ये इंटरकनेक्ट हो रहा है। यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स से वो गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन, ये सब यहाँ पर अप्लाई होता है इन नर्न्स्ट इक्वेशन। हाँ, तो यहाँ पर प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर कैलकुलेशन आती है, तो प्रैक्टिस के साथ आप टाइम भी सेव कर पाएंगे। फिर पोलरॉस लॉ जो है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट लॉ बट इट्स अ वेरी सिंपल लॉ, वेरी सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इसके एंड में जो बैटरीज, कोरोजन फ्यूल सेल्स आते हैं वो मेमोरी बेस्ड होते हैं, पढ़ने से आ जाएंगे शॉर्ट नोट्स जो भी आप करते हैं। इसके बाद आता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आई गेस जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पर आते हैं, और यहाँ जीरो ऑर्डर से ज्यादा इंपॉर्टेंस फर्स्ट ऑर्डर को दिया जाता है। फर्स्ट ऑर्डर स्पेशली समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सेम आगे जाके 12th क्लास फिजिक्स न्यूक्लियाई में अप्लाई होते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव डीके इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर भी आप जानते हैं कि ऐसे इंटर सब्जेक्ट इंटर कॉन्सेप्ट लिंकेजेस आते हैं, वहां ज्यादा फोकस दे ताकि आप आगे के चैप्टर्स के लिए प्रिपेयर्ड हो, और आगे के चैप्टर्स में जाके आपको आसानी हो जाए। हम सभी को यही देखना है कि काम जितना हो सके कम करे, जितना एफर्ट डालना चाहिए वही डाले, मतलब अननेसेसरी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोई जरूरत नहीं। तो ये सारे जो पहले के चार फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स है वो प्रैक्टिस, यहाँ पर प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह सकता कि थोड़े टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बस थोड़े एग्जांपल्स दिए थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। इसके बाद का जो चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में आता है लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं होते हैं, तो इसके लिए एनसीईआरटी में भी आई गेस ऑलमोस्ट 30 पेजेस बड़ा है ये चैप्टर। तो इसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह रिविजन इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ कर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स कम है और एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा है फॉर इमल्शंस, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स, कौन से रिएक्शन में कौन सा एंजाइम यूज होता है,
फिर केमिस ऑप्शन फिजिक्स ऑप्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पर थियरी होती है मोर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर, तो इससे यहाँ पर रिविजन काफी इंपॉर्टेंट होता है. अब आते हैं जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस फॉर आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स. ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलमोस्ट हर टॉपिक में अगर आप देखें तो एग्जाम्पल्स रहते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स ऑफ ओर्स, अलग अलग प्रोसेसेस जो होते हैं फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर्स एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, इन सभी प्रोसेसेस के लिए एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. तो इन सभी के लिए प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रोसेस एंड एग्जाम्पल्स फॉर द प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. इसके अलावा थोड़े स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिए हैं कि आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर को कैसे प्यूरिफाई और एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उस पर भी ध्यान दीजिए. यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमने पहले पढ़ा था अबाउट प्रोसेसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर्स एंड रिडक्शन ऑफ ओर्स, जो हमने पहले पढ़ा था वो यहाँ पर अप्लाई, इनका एप्लीकेशन दिखता है यहाँ पर. तो ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स आपको एक कंप्लीट आइडिया दे देंगे कि कौन से प्रोसेसेस क्या सीक्वेंस में होते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाता है सभी ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन दिस चैप्टर. इसके आगे देखें तो आती है फिर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और 12th क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो 11th से थोड़ी और बड़ी, थोड़ी और डिटेल्ड है. पी ब्लॉक जो है यहाँ पर चार ग्रुप, 15, 16, 17, 18 ये चार ग्रुप्स कवर होते हैं. डी एंड एफ ब्लॉक में दो ब्लॉक्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल कवर हो रहे हैं, और उसके बाद जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डोमेन में ही आती है. तो इन सभी को देखे तो फिर से सभी थियोरी बेस्ड हैं, और ये चैप्टर्स काफी बड़ी है एक्चुअली, स्पेशली पी ब्लॉक की जो चैप्टर है. तो इन सभी को आप जितनी बार हो सके रिवाइज कीजिए. हो सकता है कि आप एक चैप्टर भी एक सिटिंग में ना कर पाए, क्योंकि चैप्टर्स काफी बड़ी और कंपेयर टू अदर चैप्टर्स काफी बोरिंग होती है. तो अगर आपको इसे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है तो वैसे भी कर लीजिए. बी फॉरगिविंग टुवर्ड्स योरसेल्फ व्हेन इट कम्स टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एनी बिग इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि वहां पर टाइम लगता है, गलतियां होती है, इट इज नॉर्मल. इसके बाद जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखें तो फिर से 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इन डेप्थ होती है. हैलो एल्केन्स एंड हैलोरीन्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमीन्स, इन सभी को स्पेसिफिकली कवर किया जाता है. और जितना हो, जैसे मैंने पहले बताया था, एक बार 11th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एटलीस्ट रिवाइज कीजिए इन सभी को टैकल करने से पहले, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी क्योंकि वहां के कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होते हैं. इसके बाद लास्ट में जो चैप्टर्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है वो एक्चुअली बायोलॉजी के साथ करस्पॉन्ड करता है. बायोलॉजी में 11th क्लास में एक चैप्टर होता है बायोमोलिक्यूल्स, तो वो जो चैप्टर है वो इससे ज्यादा इनडेप्थ होता है, और वो हमने ऑलरेडी 11th में कवर कर लिया है. तो इसीलिए मैक्सिमम पार्ट्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, बस थोड़े एग्जाम्पल ज्यादा है, जैसे कि सभी अमाइनो एसिड्स के एग्जाम्पल्स और स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, वेरस 11th में सिर्फ थोड़े एग्जाम्पल्स थे बायोलॉजी में. तो मोस्टली कवर हो गया, बस थोड़े जगह एक्स्ट्रा कंटेंट दिया हुआ है, तो आप उस पर ज्यादा फोकस कीजिए. और जो बाकी के लास्ट दो चैप्टर है वो इनऑर्गेनिक की तरह है, बस टोटली कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड. तो जितना हो सके रिवाइज करते रहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो मैं बोल रहा हूँ कि मेमोरी बेस्ड है, रिविजन इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पर पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं या हाईलाइट कीजिए, जो भी आप करते हैं, जो भी आपका हैबिट है वो पहली या दूसरी बार में ही आप कर दीजिए. क्योंकि पहले दो बार तो अच्छा है कि आप सब पढ़ लें, लेकिन उसके बाद जब भी आप रिवाइज कर लीजिए करते हैं तब तक आपको समझ आ जाएगा कि कौन से पार्ट है जो इम्पोर्टेंट है, कौन से पार्ट्स हैं जो आप जल्दी भूल जाते हैं. तो इन सबको अंडरलाइन कीजिए, बाद में सिर्फ इन्हीं को रेफर कीजिए, ताकि आपको एक समय मिले सभी चैप्टर्स को एक बार कवर करने के लिए, और एग्जाम हॉल में आपको कॉन्फिडेंस मिले. अब चलिए बात करते हैं बायोलॉजी की. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए तीनों सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा आसान बायोलॉजी ही होती है, अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हर्ड. एंड अगर आप पेपर को, पिछले सालों के पेपर को एनालाइज करके देखें, तो आप ये समझ जाएंगे कि बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन दोनों में पर्टिकुलरली
ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास बोलने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, जितना हो सके आप रिवाइज करते रहिए क्योंकि बायोलॉजी इज अ मेमोरी बेस्ड टॉपिक। बस थोड़ी चीज जो है मैं बोलना चाहूंगा इन इसके 11th क्लास बायोलॉजी के दो चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये जो चैप्टर्स है इन पर ज्यादा फोकस कीजिए क्योंकि अगेन दीज आर फाउंडेशन टाइप चैप्टर्स। एनसीईआरटी में जो पहले के चैप्टर्स हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके अलावा ये दो चैप्टर्स भी फाउंडेशनल नेचर के होते हैं क्योंकि वो बाकी के बायोलॉजी चैप्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आप ये देखेंगे कि शायद कि सेल एंड सेल साइकिल जो है वो बॉटनी जूलॉजी दोनों में दोनों को रेलेवेंट है, तो इन दो चैप्टर्स को ज्यादा इन पर ज्यादा फोकस कीजिए। फिर बॉटनी में जो चैप्टर्स है जैसे कि रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस, इनमें जो साइकिल्स रहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिल जैसे ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल ऑल दीज प्रोसेस जो चेन्स ऑफ एक चेन रिएक्शन की तरह होते हैं, इनको भूलना काफी आसान है। तो आप पहली बार जब पढ़ रहे हैं इनको इनके जो फ्लो चार्ट्स रहते हैं या फिर साइकिल्स प्रोसेस जो भी रहते हैं इनको ड्रॉ करना प्रैक्टिस कीजिए। ड्रॉ करने से इनको लिखने से इनकी चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम इसे नहीं भूलेंगे, तो जितना हो सके इसे पढ़ने से ज्यादा आप इसे ड्रॉ करके लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इसके लिए ये जो इसके लिए ऑब्वियसली एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है लेकिन इफ यू पुट इट इन मैं कह रहा हूँ कि डेफिनेटली यू विल बी एबल टू रिमेम्बर इट बेटर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा। फिर जो फिजियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो चैप्टर्स है जैसे डाइजेशन ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन एंड सर्क्यूलेशन इन एक्सक्रीशन इन सभी चैप्टर्स ऑल द चैप्टर्स बेस्ड ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी, मैं ये एक चीज कहूंगा कि आप इन सभी प्रोसेसेस को एज अ होल समझने की कोशिश करें। जैसे अगर मैं एक्सक्रीशन का एग्जाम्पल हूं तो इसमें जो सभी प्रोसेसेस रहते हैं जैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ट्यूबुलर सेक्रीशन रीअब्सॉर्प्शन इन सभी ये सभी एक सीक्वेंस में होते हैं, तो आप इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि सीक्वेंशियली ये सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन क्या प्रोसेसेस होते हैं, तो ये सभी क्योंकि एक प्रोसेस में होते हैं एज अ होल इनको समझने की कोशिश कीजिए। जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी में हो रहे हैं उनको अलग अलग ना देखें, किडनी में लाइक एक्सक्रीशन के रिलेटेड जो सभी प्रोसेसेस हैं उसे एक साथ एक इंटीग्रेटेड होल की तरह सीखिए, इससे आपको आसानी होगी और आपको एक मोर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी चैप्टर की। 12th क्लास बायोलॉजी में थोड़े चैप्टर्स हैं जो ज्यादा बड़े होते हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये जो चार चैप्टर्स हैं बड़े हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है फ्रॉम अ नीड पर्सपेक्टिव। पर्टिकुलरली इसके पहले दो चैप्टर्स जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ये मोर देन कंपेयर टू द अदर बायोलॉजी चैप्टर्स थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, तो यहाँ पर भी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस जो है यहाँ से एक्चुअली मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं कि नंबर ऑफ जो मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर जो आते हैं अलग अलग एक अलग प्रॉब्लम्स देकर वो प्रोबेबिलिटी पूछते हैं ऑफ प्रोजेनी ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्चुअली बायोलॉजी में कम ही रहते हैं, एक इसके अलावा जो मैं कहना भूल गया था वो सेल डिवीजन में जो आते हैं माइटोसिस मियोसिस नंबर ऑफ जेनरेशंस नंबर ऑफ सेल्स, फिर थोड़े जगह नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड फॉर नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड फॉर अ सीड और फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड फॉर इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑल्सो फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्पर्म्स और ओवा। सो यही थोड़े ही एग्जाम्पल्स रहते हैं लेकिन जहां पर आते हैं मैं कहूंगा कि फिजिक्स की तरह ही इन अलग अलग प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कीजिए, वही इन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने के लिए सही तरीका है आई फील। एंड इस साल 2021 में जो था बायोटेक्नोलॉजी पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे एंड बायोटेक्नोलॉजी भी एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टॉपिक है, स्पेशली पहला चैप्टर, दूसरा वाला भी। बायोटेक्नोलॉजी में दो चैप्टर्स होते हैं, एक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, दूसरा उसके एप्लीकेशंस।
तो उसमें जो प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस होते हैं उसे भी फिजियोलॉजी की तरह पूरे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को समझने की कोशिश कीजिए, उन्हें एक इंटीग्रेटेड होल की तरह पढ़िए ताकि आप पूरे प्रोसेस को समझ जाए, आप ये समझ गए हो, आप ये याद रख सकते हो कि फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फाइनल स्टेप कैसे होता है। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं थोड़े और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं और इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, तो उन पर ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। फिर लास्ट जो यूनिट होता है इकोलॉजी, उसमें इकोसिस्टम जो है वहां पर थोड़ा सा अगेन वहां पर भी थोड़े कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो आता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट अ ट्रॉफिक लेवल, तो उसके लिए वहां पर भी प्रैक्टिस जरूरी है। मेरे लिए एक्चुअली बायोलॉजी के सभी न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वही होता था, मैं क्वेश्चंस पढ़ के काफी बार कंफ्यूज हो जाता था, तो ये एक एग्जांपल है, पर्टिकुलरली फॉर मी इट वाज डिफिकल्ट। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस चैप्टर में देखें तो लास्ट में जो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन रहते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, कमेंसलिज्म अवेंसलिज्म कॉम्पिटिशन प्रेडेशन, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बाकी के टॉपिक्स मोस्टली फिर से मेमोरी बेस ही होते हैं, तो और इन जनरल अगर देखें तो मोस्ट ऑफ इट इज मेमोरी बेस्ड, तो वहां पर रिविजन ऑफ एनसीईआरटी इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन जहां पर भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस जहां आते हैं वहां पर थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि जैसा कि देखा गया है वहां से क्वेश्चन ज्यादा भी आ रहे हैं। अब एग्जाम्स के क्वेश्चन कॉम्पोजिशन की बात करें तो मैंने उतना एनालाइज नहीं किया है एक्चुअली कि 11th को ज्यादा वेटेज मिलता है या 12th को, बट माई गेस इज माई एस्टिमेट इज ज्यादा वेटेज 11th को देते हैं, क्योंकि अगर 11th का सिलेबस देखें तो वो 12th से ज्यादा बड़ा होता है फॉर ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट फॉर आई गेस केमिस्ट्री, बट अदरवाइज जनरली बड़ा होता है। और ऑल्सो 11th के जो टॉपिक्स एंड चैप्टर्स है वो फाउंडेशनल रहते हैं, वो फिर से जाके 12th में अप्लाई होते हैं, तो फॉर दिस रीजन आई थिंक 11th को ज्यादा वेटेज दिया जाता है। पढ़ने में आई थिंक अगर 11th में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो 12th थोड़ा और आसान हो जाता है, तो आई थिंक पढ़ते टाइम भी आपको 11th पढ़ने के 11th का जो सिलेबस है वो पढ़ने के टाइम फोकस और कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना चाहिए। मैंने जो अपनी तैयारी शुरू की थी मैंने 11th क्लास से शुरू की थी, आई हैड एक्सेस टू कोचिंग मटीरियल, तो वहाँ के जो मटीरियल है और मैं जो टेस्ट रेगुलरली देता था उसने मुझे बहुत हेल्प किया, लेकिन जिन मैं ये नहीं जानता कि इनके विदाउट दिस हाउ आई वुड हैव प्रिपेयर्ड, लेकिन मैं जो कहूँगा एक ही कहूँगा कि क्योंकि नीट का जो बेसिक कोर्स सिलेबस है वो एनसीईआरटी है, तो दी ओनली प्रॉब्लम जो आती है वो एप्लीकेशन में आती है कि जो एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट है उसे अप्लाई कैसे करें, उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास कुछ रेफरेंस बुक्स है या फिर कुछ एक्सरसाइज बुक्स है जैसे कि मैंने एमटीजी मेंशन की थी, ऐसा कुछ आप खरीद कर अगर प्रैक्टिस करें, उसके अलावा आज तो यूट्यूब पे काफी ऑनलाइन लेक्चर्स भी अवेलेबल है तो आप वहां से सीख सकते हैं फ्री में ही, और ऐसा भी है कि कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेशन आप प्रैक्टिस से ही समझ सकते हो, लाइक जब आप पहले उन क्वेश्चंस को एक्सपोज होते हो तो तब शायद वो क्वेश्चन मुश्किल लगे, लेकिन जब आप उसका सॉल्यूशन देख ले और आप ऐसे काफी क्वेश्चंस को के सॉल्यूशंस देखे तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन ऐसा ट्यून हो जाता है कि इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, इस तरह से कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, तो मैं वो सजेस्ट करूंगा। और 12th क्लास की प्रिपरेशन देखें तो अगेन 12th क्लास में भी का सिलेबस भी एनसीईआरटी ही है, विच इज द सेम थिंग दैट यू आर स्टडीइंग फॉर नीट, बस यही बात है कि 12th क्लास के लिए आपको सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ता है, तो कंटेंट सेम है बस आपको वो जो नॉलेज है अलग दो अलग तरीके में रिप्रोड्यूस करना पड़ता है। नीट में इट इज मल्टीपल चॉइस और 12th में इट इज सब्जेक्टिव, मेरे तो 12th में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे बट द बेसिक डिफरेंस इज ओनली दिस, लेकिन क्योंकि सिलेबस दोनों के लिए सेम ही होता है। अब जब स्टडी पैटर्न की बात आती है मेरे पास कोई फिक्स्ड टाइम टेबल या रूटीन नहीं था, मैं शॉर्ट स्ट्रेचेस में पढ़ता था जैसे कि आधा घंटा मोर ऑफ देन नॉट 45 मिनट, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेके फिर से काम डाउन रिलैक्स होके फिर से मैं पढ़ना रिज्यूम कर देता था। आई डिड नॉट हैव फिक्स्ड आवर्स कि इस टाइम ऑफ द डे पढ़ना है, इस टाइम ऑफ द डे रिलैक्स करना है, क्योंकि मेरे लिए वो मुश्किल था, लेकिन अगर आप फॉलो कर सकते हैं और आपके लिए वो स्ट्रक्चर देती है तो आप प्लीज उसको फॉलो कीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए इट इज बेनिफिशियल, मेरे लिए इट वॉज नॉट, सो आई डिड नॉट फॉलो।
मैं एक चीज जो कहना चाहूंगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट इन द एग्जाम हॉल बट ऑल्सो ड्यूरिंग प्रेपरेशन. आपकी जो हॉबीज है उसके लिए आप थोड़ा टाइम एटलीस्ट प्लीज रिजर्व करके रख लीजिए. मतलब मे बी नॉट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे, लेकिन जरूर पीरियोडिकली जब भी हो सके आप अपनी हॉबीज को थोड़ा टाइम दें, क्योंकि ये जो हॉबीज और रिलैक्सेशन होती है वो माइंड के लिए रिपेयर और मेंटेनेंस की तरह होती है. आप अगर 2 साल के लिए कंटिन्यूसली अपने दिमाग को एक्सर्ट करते जाओगे तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट विल नॉट बी, यू विल नॉट बी एबल टू यूटिलाइज वॉट एवर यू लर्न. शायद स्ट्रेस बढ़ जाएगा या मेंटल फटीग हो जाएगा, बहुत सारे चीज हो सकते हैं, आपका आपकी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है. इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप स्ट्रेस मैनेज करके अपनी हॉबीज के लिए कुछ टाइम दें, जो भी होगा, म्यूजिक सुनना हो, मेडिटेशन हो, कुछ स्पोर्ट्स हो, या जो भी आपकी हॉबीज है उसके लिए थोड़ा टाइम बनाकर रखें ताकि आपका मानसिक संतुलन ना बिगड़ जाए. सोशल मीडिया की बात करें तो मेरे पास पहले से ही सोशल मीडिया नहीं थी, तो मेरे लिए वो छोड़ना कुछ बड़ी बात नहीं थी क्योंकि मेरे पास बिगिनिंग से ही नहीं थी, तो उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता. आई नेवर हैड दैट एज अ डिस्ट्रैक्शन. एग्जाम के दिन और एग्जाम के कुछ दिन पहले जितना हो सके पढ़ाई कम रखिए, क्योंकि अगर एग्जाम के एक दिन पहले आप कुछ पढ़ते समय एक ऐसा पॉइंट आपको दिखा जो आप उतना जो आपको याद नहीं था, तो आप एक सेल्फ डाउट के मतलब गड्ढे में गिर जाएंगे कि अगर ये पॉइंट मुझे याद नहीं है तो क्या पता शायद बाकी चैप्टर्स में भी ऐसे पॉइंट्स हो. और क्योंकि आपके पास वैसे भी रिवाइज करने का टाइम नहीं है, इसका एंड रिजल्ट यही होगा कि आप एग्जाम हॉल के अंदर स्ट्रेस्ड होकर प्रेशर में आकर जाओगे और जो आपको याद था वो भी आप भूल जाओगे या फिर अप्लाई नहीं कर पाओगे. तो जितना हो सके पढ़ाई को एक मिनिमम रखिए 1-2 दिन पहले एग्जाम के, और एग्जाम के दिन तो बिल्कुल ही मत पढ़िएगा. कुछ ऐसा कीजिए जिससे आप थोड़ा रिलैक्स और काम हो जाए, जैसे म्यूजिक सुनिए या फिर मेडिटेट कीजिए, आपकी मर्जी, लेकिन ये स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आगे का मेरा प्लान तो माई ड्रीम कॉलेज इज एम्स दिल्ली एंड विथ माई रैंक दैट्स पॉसिबल, सो आई वुड लाइक टू परस्यू MBBS देयर. उसके आगे का तो मैंने उतना सोचा नहीं है, स्पेशलाइजेशन वो आगे जाके मतलब MBBS के टाइम सोच लेंगे. बाकी मेरी तरफ से उतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू एंजॉय द वीडियो. देखते रहिए DKT.